आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों में काफी उसमें नोटिस ये करना था कि जो चलते आओ चिल करके आते थोड़ा सा ऐसा कर जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं एलेक्स फॉर आप लोग के साथ फिर से और निकलेंगे आज थोड़ी देर में घर से। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कुछ नोटिस करा, तो आज मैं उस चीज़ को बताने वाला हूँ कि वो क्या चीज़ थी जो आपने नोटिस नहीं करी, मगर मैं उसको अभी नहीं बताऊँगा, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा और आपको पता लग जाएगा कि वो किस टॉपिक की बात थी। आज बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सर लाइट चली गई सुबह सुबह, मौसम का क्या कहना भाई, कल तक इतनी गर्मी थी आज इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है। आज तो भाई बाहर जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं है, इतना ज़्यादा ठंडा है कि क्या ही बताऊँ। कल तक इतनी अच्छी धूप थी और आज इतना ज़्यादा ठंडा है, मतलब मौसम को कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कैसा भी हो सकता है। मौसम के बारे में क्या कहना है आपका, कैसा है आज मौसम, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो मौसम के बारे में क्या कहना है आपका, आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। पता नहीं मौसम खराब हो रहा है, ठंडा हो रहा है, आज आवाज जला रहे हो। आज कितना ठंडा है जरा बता दो एक बार हल्का सा। बहुत ज़्यादा ठंडा है आज और यहाँ पे हाथ टेढ़े हो गए और हाथ तक टेढ़े हो गए हैं, हाथ लाल भी हो गए मेरे। जल्दी ली आग जलाओ मम्मी जी, हाथ सेकने हैं, हाथ कब कमा रहे हैं। आज तो व्लॉग शूट करने में भी हाथ कांप रहा है, तो तुम्हारा भाई जैसा तैसा कंट्रोल कर रहा है, हिल रहा हिल रहा हिल रहा हिल रहा है। रुक जा भाई, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। आग सेकते हैं हम, जल्दी जल्दी लगाओ आग। सब देखो आग कैसे सेक रहे हैं, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंडा चलता नहीं और सबसे कैसे, तो सारे सब लोग आग सेक रहे हैं तो हम भी आग सेक रहे हैं। यहाँ पे आग जल चुकी है, अब आग सेकते हैं। आए क्या ही मज़ा आ रहा है एकदम ही बिल्कुल ही। अर्पित है परोड़े, अक्कू भाई ने बुलाया और अक्कू भाई के घर में चलते हैं, अक्कू भाई से मिलते हैं। एक डांस करने कौन कर रहा करेगा, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, चलते आओ चिल करके आते थोड़ा सा, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। अभी उनके सामने भी डांस करता हूँ और देखते हैं क्या कहते हैं वो। ओह मेरे भाई, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। हेलो ब्रो, क्या हाल है? बढ़िया। अक्वाई अक्वाई, हेलो हेलो मेरे भाई, हां बोलता ऐसे कर, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। हेलो, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाया आज हरी सब्जी जो मैं कल लेके आया था, एंड गोभी की सब्जी बनाई है एंड टू रोटीज, एंड मैं टू ही रोटी खाऊंगा आज। फाइनली मैंने नाश्ता कर लिया है एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक इन्फॉर्मेशन कि फेक बोया और ओरिजिनल बोया में क्या फ़र्क होता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं एक बोया का माइक लूँ तो ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, एंड मैं आपको इतना डीपली नहीं समझाऊंगा कि इसमें ये लिखा है इसमें वो लिखा है, मैं आपको चार पाँच ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आप समझ जाओगे कि फेक बोया और ओरिजिनल बोया में क्या फ़र्क होता है। व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि आपने कुछ चीज़ नोटिस करी, आपने शायद वो नोटिस नहीं किया, तभी मुझे कमेंट नहीं आया। इंस्टाग्राम में पर्सनली मेरे को मैसेज आए एंड व्हाट्सअप में भी आए कि आप मेरे को बता दो कि वो क्या नोटिस करना था। मैंने कहा आपको आज नहीं, आपके कल के व्लॉग में पता जाएगा, तो इसी व्लॉग में आपको पता लगाएगा कि वो क्या नोटिस करना था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको बताता हूँ कि फेक बोया एंड ओरिजिनल बोया में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला जो उसमें डिफरेंस है वो ये है कि आप इनके चिट देख लीजिए, इसका चिट देखिए, इसका चिट देखिए, काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ये वाला ओरिजिनल बोया है एंड ये वाला फेक बोया है, तो आपको इसमें नंबर दिखाऊंगा 1 2 3 8 ऐसे कुछ नंबर लिखा है और इसके कलर भी थोड़े अलग अलग है, तो आप इस चिट से पहचान जाओगे कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। देखिए इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ये रियल वाला है फेक वाला है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड कंपैरिजन इन दोनों में क्या है। जब भी आप बोया का माइक लेते हैं तो पहले कवर आता है बाहर से, फिर इसके अंदर एक और कवर आता है ब्लैक कलर का, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है फेक वाले का और यह है ओरिजिनल वाला। अब ओरिजिनल और फेक में क्या है, जो फेक वाला है वो काफ़ी ज़्यादा शाइन मार रहा है और ओरिजिनल वाला तो शाइन नहीं मारेगा। और सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है, आप इनका साइज़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। जो लोकल वाला बोया होगा, मतलब जो ओरिजिनल बोया नहीं है, उसका कवर जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा और जो ओरिजिनल बोया के माइक का कवर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब डिफरेंस वैसे ही दिख गया, इतना डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और तीसरा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप माइक लोगे तो आपके पास एक बुक आएगी, वो इस टाइप की होगी। अब मैं इसमें भी आपको डिफरेंस बता देता हूँ, जो फेक वाला बोया माइक होगा वो ऐसा होगा,
ब्लैक, और जो रियल वाला बोया माइक की बुक होगी वो ऐसी होगी। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो कैमरा और स्मार्टफोन का ऑप्शन है और इसमें भी जो कैमरा और स्मार्टफोन का ऑप्शन है, तो इन दोनों के बीच में फ़र्क ये आएगी, ये जो कैमरा मोड और स्मार्टफोन का ऑप्शन है इसके बीच में एक रेड कलर की पट्टी ऐसी दिखेगी। देखो आपको दिख गई, देखो इसमें देखिए यहाँ पे एक रेड कलर की पट्टी है, और जो दूसरा वाला है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इसमें सिंपल सा ब्लैक है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें रेड जैसा कुछ है और इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैक है। जिसमें रेड कलर की पट्टी ऐसी दिखेगी ये ओरिजिनल होगा, और जिसमें कुछ भी नहीं दिखेगा ये फेक होगा। और तीसरा डिफरेंस ये है फेक और रियल के बीच में। एंड जो चौथा डिफरेंस है वो ये है कि ये है फेक वाला और ये है रियल वाला। फेक वाला जो आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा शाइन मार रहा होगा, और इसका पेंट ऐसा है कि लोकल टाइप का है, मतलब इसको आप ऐसे खरोड़ के निकाल सकते हो, ये ज़्यादा ही शाइन मार रहा है। और जो रियल वाला होगा उसका पेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, एंड वो ज़्यादा शाइन नहीं मारेगा, लेकिन क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है। ये भी एक फ़र्क है, आप इससे भी जान सकते हो। देखो ये वाला ज़्यादा शाइन मार रहा है और ये वाला कम शाइन मार रहा है। और इसी के ऊपर आपको एक डिफरेंस और दिखेगा, पेंट का तो मैंने आपको बता दिया, अब इसका एक डिफरेंस ये है कि जो रियल वाला बोया का माइक होगा उसके पीछे एक चिट लगा होगा, एंड जो फेक वाला होगा उसके पीछे कोई भी चिट नहीं लगा होगा। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है फेक और रियल में। एंड जो अब लास्ट डिफरेंस बचा है वो है हमारी माइक टेस्टिंग का। तो ये वाला जो मैं साउंड जिससे मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ओरिजिनल बोया का माइक है। रियल माइक में मैं बोल रहा हूँ तो वॉइस का काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा। ये जो रियल वाला माइक है इसको हम हटा देंगे और फेक वाला माइक लाएंगे। आप खुद बताना कि इन दोनों में क्या कंपेरिजन है, रियल में कैसी वॉइस आ रही है और फेक वाले माइक में कैसी वॉइस आ रही है। एंड अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं ये है फेक वाले माइक की। आप खुद बताना, हेडफोन यूज़ करना और बताना कि किस में ज़्यादा वॉइस सही आ रही है। ये जो मैं पहले यूज़ करता था, 3-4 दिन पहले जो मैं यूज़ करता था वो ये वाला माइक था। मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हेडफोन लगाइए और मैं दोनों में एक एक लाइन गाने की गाऊंगा, और आप खुद बताना कि किस में ज़्यादा सही वॉइस आ रही है। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। लाइन गाने की इसमें गाई है, एक लाइन हम गाते हैं रियल वाले माइक में। एंड अब जो आप वॉइस सुनोगे वो सुनोगे रियल वाले बोया माइक की। तो एक गाना इसमें भी गाते हैं, तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। तो इसमें मैंने गाना गा दिया, उसमें मैंने गा दिया, तो आप डिफरेंस खुद पता कर लेना। एंड जो एक डिफरेंस जो आप काफ़ी लोग कहते हैं कि ये होता है, वो होता है वायर का, पर वायर में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। बस ये है कि जो रियल वाला बोया माइक है इसमें थोड़ी कड़कड़ी है, ये थोड़ी सॉफ्ट है, बस इतना सा थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे हल्का सा, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेक बोया माइक में एंड रियल बोया माइक में क्या फ़र्क है। तो जब भी माइक लीजिए चेक करके लेना। वैसे अमेजोन से माइक सही मिलता है, अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हो, शॉप में जाओगे ऐसी लोकल वाली तो वहाँ हमेशा फेक ही मिलता है। वैसे इस टॉपिक में मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन मेरे साथ ये एक्टिविटी हो चुकी है। मैं पहले मैंने फेक ले लिया था, अब रियल ले लिया है, तो डिफरेंस जो मेरे को लगा मैंने बोल दिया, क्योंकि शेयरिंग करनी चाहिए आपके साथ भी कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो मैंने आपसे कल कहा था कि आपने नोटिस करा, वो नोटिस यही था कि जब मैंने कल का ब्लॉग खत्म करा उसमें लास्ट में जब मैंने बोला था गुड नाइट टेक केयर एवरीवन स्वीट ड्रीम्स मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, उसमें नोटिस ये करना था कि रियल वाला माइक मैंने उस टाइम यूज़ किया था तो वॉइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आया होगा, मगर आपने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। तो फाइनली आप लोग को पता लग गया कि वो चीज़ क्या थी। तो खाना वाना बन रहा है, खाते हैं खाना। गुड नाइट टेक केयर एवरीवन, सो जाइए आप भी, हम भी सो जाते हैं और खाते हैं अभी गर्मा गर्म खाना। एंड आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इस व्लॉग में मेरा मोटिव यही था कि अगर आप बोया का माइक लें तो उसको परखिए, उसको जांचिए, ऐसे ही किसी दुकान से मत उठा के लाइए, एंड अमेजोन से मंगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ से ओरिजिनल बोया का ही माइक मिलता है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो करिए सब्सक्राइब एंड देखते रहिए रोज सुबह एलेक्स पार्क का व्लॉग्स को। बाय बाय।